पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर मंडी में भाजयुमो की ओर से आयोजित शहीद सम्मान समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं शहीद जवानों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया। इससे पूर्व उन्होंने इंदिरा मार्केट के शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के महानायक वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर में मैं सभी उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देकर के देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। 25 वर्ष उस युद्ध को हो गए जब कारगिल पे पाकिस्तान ने कब्जा करने की चेष्टा की थी, और मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि उस वक्त के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सरदार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ इस युद्ध का सामना किया और पाकिस्तान के जितने भी सैनिक जितने भी जो घुसपैठिए वहाँ पर आए थे, एक एक को मार गिराया और भगाया वहाँ से। बहुत बड़ी अलग तरह की परिस्थिति थी और पाकिस्तान के साथ हमेशा भारत का सौहार्दपूर्ण रवैया रखने की कोशिश रही है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि पाकिस्तान ने सदैव भारत के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये कारगिल का जो युद्ध एक तरह का हुआ था तो वो हमारे सामने है। मैं आज के इस अवसर पर जो वीर सैनिकों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर सामना किया, सारी चीज़ें जो है भारत के सैनिकों के लिए अनुकूल नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सैनिक जो हमारे थे वो नीचे थे और पाकिस्तान के सैनिक काफ़ी ऊपर थे, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने बड़ा वीरता के साथ सामना किया और सामना करने के साथ साथ अंततः जीत हासिल की। और मुझे इस बात का भी जिक्र करना है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा, 52 सैनिक जहाँ मंडी जिला ये हिमाचल प्रदेश के जो उसमें शहीद हुए 52, और 12 सैनिक जो है वो मंडी जिला से समग्र, बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा, छोटा प्रदेश लेकिन योगदान देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा रहा। एक बार फिर से सभी वीर सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, और जिन योद्धाओं ने इस युद्ध में लड़ाई लड़ी है उनके प्रति अपनी जो है वो व्यक्त करता हूँ, भावना व्यक्त करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बात के लिए मैं जरूर कहूँगा कि हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया है कि 25 वर्ष कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को भी स्मरण करें। पिछले कल मशाल जुलूस निकाला गया था और उसके साथ साथ वो हर मंडल में, हर विधानसभा क्षेत्र में, और उसके साथ साथ आज हम हर विधानसभा क्षेत्र में विजय दिवस को मनाते हैं। मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।